हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग टीएमबी यूनिवर्सिटी का इंग्लिश ऑनर्स का रिपीटेड सिलेबस देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी सजेशन अपलोड कर चुके हैं, लेकिन एट द एंड मतलब 27 को एग्जाम है, तो एग्जाम के अब 3-4 दिन पहले आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, और बैकग्राउंड से आप लोग को कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि आसपास कुछ फंक्शन है तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज का हम लोग टॉपिक। सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, मोस्टली एक्सप्लेनेशन नहीं आता है पहले, तो एक्सप्लेनेशन आपको 24 मार्क्स का आएगा। 24 मार्क्स में आपको एक एक्सप्लेनेशन पोएम से रहेगा, एक कैंडिडा से रहेगा और एक पैसेज टू इंडिया से रहेगा। तो पोएम वाले एक्सप्लेनेशन के लिए आपको 3-4 पोएम ध्यान रखना होगा। वो 3-4 पोएम में इंक्लूडेड है, जैसे कि आप कर सकते हो द सेकेंड कमिंग, आपकी बार के लिए हम याद करने भी बोले, क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी उसका याद करने बोले। तो द सेकेंड कमिंग के बाद आप स्ट्रेंज मीटिंग ध्यान में रखोगे, एंडम फॉर डोम ड्योट और ए डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल। मोस्टली 80% चांसेस है कि इसी 4 पोएम में से आपको कोई ना कोई 4 लाइन दे दिया जाएगा जिसको एक्सप्लेन करने बोला जाएगा। तो इस पोएम को कैसे ध्यान में रखा जा सकता है कि कैसे इस पोएम से आएगा पता करेंगे। तो आप ना मतलब पोएम एक्सप्लेन किया जाता है ना, लाइन मतलब वीडियो होता है जिसमें कि पोएम के लाइन, पोएम का लाइन एक्सप्लेन किया जाता है, उस वीडियो को 1-2 बार देख लो। ठीक है, उसको डाउनलोड करके रख लो, उसको 1-2 बार देख लेना, ताकि आपको ध्यान रहे कि द सेकेंड कमिंग का जो लाइन है उसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है, और अगर वो लाइन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप तुरंत लिख सको। इसी तरह 4 पोएम आपको कंफर्म वो लाइन ध्यान में रखना पड़ेगा, जो 4 पोएम आपको रिकमेंड किए, स्ट्रेंज मीटिंग, द सेकेंड कमिंग, और थर्ड है डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल, और फिर फोर्थ जो है वो है एंडम फॉर डोम ड्योट। तो ये चारों आपको प्रिपेयर करना है। और सेकेंड एक्सप्लेनेशन आएगा आपको कैंडिडा से आएगा। तो कैंडिडा का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भी 2 एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, 2 में से कोई एक सॉल्व करना है। फिर ए पैसेज टू इंडिया से थर्ड एक्सप्लेनेशन आएगा, उसमें भी 2 एक्सप्लेनेशन रहेगा, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है। ठीक है, और जो मतलब हम एक्सप्लेनेशन पे इससे पहले 1 साल पहले वीडियो अपलोड किए थे, बट उस टाइम मेरी तबीयत खराब थी तो हम अच्छे से वीडियो नहीं बना पाए, और बहुत कमेंट आ रहा था उस टाइम स्टूडेंट लोग का कि वीडियो अपलोड कीजिए, तो हम जैसे तैसे मतलब बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तबीयत खराब होने की वजह से। तो हम एक्सप्लेनेशन पे कल नाइट तक पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक्सप्लेनेशन 2018 और 20 का सॉल्व करके वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल करवा दें। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन का टेंशन यहाँ पे आपका खत्म होता है 24 मार्क्स का। अब जो सेकेंड आता है आप लोग को पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन, तो पोएम के क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए आपको 3 पोएम कम से कम प्रिपेयर करना है। तो 3 पोएम में सबसे पहला आपको आता है द सेकेंड कमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तीनों में से एक भी स्किप नहीं करना। स्किप करोगे तो खुद पे लो कि फिर मैच करेगा नहीं करेगा उसकी गारंटी आप लेना। हम आपको तीनों प्रिपेयर करके जाने बोलेंगे। पहला जो होगा वो द सेकेंड कमिंग होगा, सेकेंड जो होगा वो होगा पाइट ब्यूटी, जो कि जीएम हॉपकिंस की पोएम है। द सेकेंड कमिंग पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, पाइट ब्यूटी पे नहीं है। और थर्ड जो होगा वो होगा ब्रेक ऑफ द डे इन ट्रेंचेस, जो कि आइजक रोजनबर्ग की काफी फेमस पोएम है, वॉर पोएम है। तो ये जो थर्ड वाला पोएम है आइजक रोजनबर्ग की, उसको हम 1-2 पेज लिखे हुए हैं, उसका वीडियो हम आज ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका पोएम वाला सेक्शन हो जाएगा। 3 पोएम आपको कंफर्म करके जाना है, पाइट ब्यूटी और फिर ब्रेक ऑफ द डे इन द ट्रेंचेस और थर्ड जो है द सेकेंड कमिंग, तीनों कंफर्म करके जाओ। और जो है इसके बाद जो आता है वो पाइट ब्यूटी जो वीडियो है ना, वो पाइट ब्यूटी हम कल अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद का जो सेक्शन आता है उसमें आपको ईएम फोस्टर के एक एशे लिखने दिया जाएगा। ठीक है, तो हम 2 एशे अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट बताएं ईएम फोस्टर का। एक तो है द चैलेंज ऑफ आवर टाइम, और एक ये एसे है जिसपे कि ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। सेकेंड जो एसे है ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू द आर्टिस्ट, तो मतलब इन दोनों में से एक मैच कर जाएगा। तो ये दोनों हम ऑलरेडी इन दोनों पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट में पेपर 6 का अलग से सेक्शन बना हुआ होगा, उस सेक्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो। तो ये हो गया 24 मार्क्स का आपको एक्सप्लेनेशन हो गया, फिर पोएम हो गया 14 मार्क्स का, फिर 14 मार्क्स का आपको ईएम फोस्टर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ईएम फोस्टर के ऐसे से आ गया। इसके बाद जो आता है आपको कैंडिडा से क्वेश्चन दिया रहेगा, तो कैंडिडा जो कि जीवी शॉ की प्ले है उससे भी आपको 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। पहला कैंडिडेट की समरी प्रिपेयर करना है, सेकंड जो है कैरेक्टर, मार्च बैंक का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैंडिडेट की समरी पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, सेकंड जो है मार्च बैंक के कैरेक्टर पे कल मोस्टली कोशिश करेंगे वीडियो अपलोड कर दें। और अगर आपको क्वेश्चन कुछ अलग आ जाए, एग्जाम्पल कैंडिडेट एज ए प्रॉब्लम प्ले आ जाए, तो शुरू जो लाइन करोगे समरी को ही, क्या कैसे शुरू करोगे कि कैंडिडेट इज वन ऑफ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ जीबी साउस प्रॉब्लम प्ले। ठीक है, इसी तरह लिखना शुरू करोगे। स्टार्टिंग में बस 2 लाइन आपको, 2-3 लाइन, या फिर प्रॉब्लम प्ले का एक्सप्लेनेशन क्या होता है ना वो लिख के कर सकते हो, बट मोस्टली हम आपको बोलेंगे टेंशन मत लो, बस समरी याद करो, मार्क्स अच्छा मिल जाता है। मोस्टली आपको हम यही बोलेंगे आप समरी प्रिपेयर करके जाओ। सेकंड, मार्च बैंक का कैरेक्टर मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके पास ऑप्शन है, आप समरी लिख सकते हो। उसके बाद जो है आपको ए पैसेज टू इंडिया से क्वेश्चन आएगा, तो ए पैसेज टू इंडिया से जो क्वेश्चन रहेगा तो उसमें पहला हम फिर से बोले हैं कि आपको समरी याद करके जाना है। सेकंड जो है एक कैरेक्टर स्केच है, मिसेज मूर का कैरेक्टर स्केच,
जिसपे कि हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये हो गया, ये सारा क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है। पोएम वाले सेक्शन से 3, ईएम फोस्टर के एसे वाले सेक्शन से 2, कैंडिडा से 2 और फिर ए पैसेज टू इंडिया से 2। ये सारा कर लोगे प्रिपेयर, उसके बाद एक्सप्लेनेशन हम बताएं। 1820 का कन्फर्म सॉल्व करके जाओ, पोएम भी पता कर लो कि 1820 में जो आया लाइन वो कौन कौन से पोएम से है, और उस पोएम का लाइन भी ध्यान रखो कि हो सकता है द सेकेंड कमिंग का ही कोई और लाइन दे दिया एक्सप्लेनेशन में, तो इस वजह से उस पोएम की लाइन को भी ध्यान रखो। और इसके बाद आपको आएगा एक्सप्लेनेशन, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद आपको आएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मोस्टली 20 मार्क्स का आता है, तो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के लिए आपको प्रीवियस ईयर का सारा ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना होगा। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हम सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा पेपर 6 वाले सेक्शन में। अगर फिर भी आपको कोई वीडियो नहीं मिलता है, किसी चीज में प्रॉब्लम है, तो आप ना इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। हम कंफर्म मोस्टली कोशिश करते हैं कि रिप्लाई दें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पेपर 6 का सिलेबस खत्म होता है। आप लोग अच्छे से एग्जाम दो, ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं कोई ना कोई नोट्स के टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय।